लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एनोटेशन एंड मॉकअप टूल्स अडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एग्जांपल सेट है और जो एनोटेशन एंड मार्कअप टूल्स हैं वो प्राइमरली कमेंट सेक्शन में है, जो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आप टूल्स टैब में जाएं और यहाँ से भी आप सिमिलर जो टूल्स है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लार्ज सेट ऑफ टूल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे टूल्स पे हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टिकी टूल्स पे बात किया था और इस ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ इसमें जो हैं टूल फीचर्स हैं उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले हाईलाइट टेक्स्ट से। तो इसे आप जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो चेंज कलर का ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वैरायटी ऑफ कलर चूज कर सकते हैं। सपोज़ आप ब्लू कलर चूज़ करना चाहते हैं तो ब्लू कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी चेंज करने का भी ऑप्शन है और यदि आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 100% रख के और आगे बढ़ता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि जब ऑप्ट होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि सबको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे जो सारा जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर से शेडेड हो गया है। आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पढ़ने में, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये बेटर वे में है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो ओपेसिटी है वो भी बदल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। आप यहाँ पे जब हाईलाइट किए हैं तो यहाँ पे आप कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कमेंट नंबर 1 ऐसा करके मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे कमेंट पोस्ट किया, यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकन आ गया है जो कमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए इसे आप राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ और यहाँ से भी आप जो ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी लेवल है, उससे आप में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है कि जो कलर का जो ऑप्शन है जो पिछले ऑप्शन से ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मोर कलर चूज कर सकते हैं जो पिछले ऑप्शन में थोड़ा सा लिमिटेड था। तो इस ढंग से आप टेक्स्ट हाईलाइट फीचर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है अंडरलाइन टेक्स्ट इन एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी का, और ये ऑप्शन यहाँ पे है। अब हम इसे एक बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फिर से सिमिलर चेंज कलर का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हम जो हमारा जो प्रेफर्ड कलर चॉइस है वहाँ से चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सारे जो टेक्स्ट हैं सबको मैं टेक्स्ट अंडरलाइन ऑप्शन से अंडरलाइन कर दिया हूँ। आप देखेंगे कि सारे टेक्स्ट के नीचे येलो कलर का लाइक लाइन बना हुआ है। इसके लिए आप यदि कमेंट ऐड करना तो यहाँ पे भी आप कमेंट ऐड कर सकते हैं और पोस्ट करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑप्शन में चले जाएं। तो यहाँ पे आपको एक तो कलर चेंज करने का जो आपने पिछले ऑप्शन देखा था सिमिलर जैसा ही है, ट्रांसपेरेंसी लेवल भी सिमिलर है। यहाँ पे जो जो लाइन है उसका एक डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा एक डिफरेंट लाइन ऑप्शन है, काइंड ऑफ कर्व टाइप का है ये। तो यदि आपको वैसा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा एक कर्वेचर है, एक जिगजैग शेप में है। तो आप वैसा चाहते हैं तो इस ढंग का भी लाइन टाइप आप चूज कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन पे बात करेंगे जो है स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट इन एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी, और ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे है। अब इसे सेलेक्ट करते हैं तो फिर से आप देखेंगे कि ये कलर चूज करने का ऑप्शन है। तो सपोज़ मैं येलो कलर चूज़ करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने कंफर्ट के अनुसार। तो ये सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और आप देखेंगे कि जो सारे जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक थ्रू हो गया है येलो कलर के लाइन से। यदि इसमें कुछ बदलाव करना है तो आप फिर से इसे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, और जाने के बाद कलर चेंज का ऑप्शन है और ट्रांसपेरेंसी लेवल चेंज करने का ऑप्शन है।
यहाँ पे भी आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसके लिए कमेंट नंबर 3 पोस्ट कर रहा हूँ। अब हम लोग चौथे ऑप्शन की बात करेंगे जो है ऐड नोट्स टू रिप्लेस टेक्स्ट इन एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी, और ये ऑप्शन आपका यहाँ पे है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कलर ऑप्शन है जो पहले भी था। यहाँ से यदि आपको बदलाव करना है, ओपेसिटी लेवल चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। और अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे चले जाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे सपोज इसे मुझ में बदलाव करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे रिप्लेस टेक्स्ट। सपोज मैं स्वाब को ग्रुप से बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करके रिप्लेस करते रहूँ। यदि इसके प्रॉपर्टीज़ में फिर से बदलाव करना है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसे कलर और जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है दोनों में आप बदलाव कर सकते हैं। हमारा पांचवा ऑप्शन है इंसर्ट टेक्स्ट कर्सर लेवल, और उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है और हम इसे एक्टिवेट करेंगे। और सेम कलर ऑप्शन है जिसके बारे में हमको ज़्यादा यहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे हो गया है, पर मैं इसे डिलीट करता हूँ फिलहाल। और सपोज़ मैं यहाँ पे कर्सर को पहले लेके आता हूँ और यहाँ पे इसको एक्टिवेट करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। और सपोज़ इस वर्ड को मुझे डिफरेंट ट्रीज चेंज करना है प्लांट्स को, तो हम यहाँ पे ऐसे करके बदल सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ पे कलर और में कलर और उसके ट्रांसपेरेंसी लेवल में भी बदलाव कर सकते हैं। अब हम लोग छठे ऑप्शन पे बात करेंगे जो हमारा ड्राइंग टूल्स है, और कह सकते हैं कि पेंसिल सिंबल है। आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ड्राइंग टूल्स का ऑप्शन है, और इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर देखेंगे आप यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है चेंज कलर का। सपोज़ मैं रेड कलर चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे आप लाइन सेलेक्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट थिकनेस ऑफ लाइन, तो मैं थोड़ा सा थिक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। और करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि एक जो लाइन है यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, एक लाइन एक ड्राइंग क्रिएट हो गया है। और इसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जा कर के जो इनका जो ये है थिकनेस में बदलाव कर सकते हैं, उनके कलर में बदलाव कर सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि डिफरेंट कलर हो, और इनका ट्रांसपेरेंसी लेवल है उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए यदि आपको कमेंट करने की ज़रूरत है जो पेंसिल टैब से बना हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि जो यूज़र्स हैं अदर यूजर्स हैं उनको समझ में आ जाए कि क्या पर्पस है इस कमेंट को मार्क करने का या इस ड्राइंग को क्रिएट करने का। जो आखिरी ऑप्शन है वो इरेज ड्राइंग का है, और ये जो फीचर है इरेज ड्राइंग, इसको हम सिर्फ जहाँ पे हमने ड्राइंग किया है वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है, सपोज हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, पर यहाँ पे यदि हम करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इसमें एक बदलाव हो रहा है। आप देखेंगे कि मैं इसे डिलीट कर पा रहा हूँ। तो ये जो इरेज ड्राइंग्स का ऑप्शन है, इरेज टूल्स का जो ऑप्शन है, वो ड्राइंग किया हुआ है उसी पे एप्लीकेबल है। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन टूल्स की बात करेंगे जो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो कीप टूल सेलेक्टेड की बात है, जो यहाँ पे एक है कीप टूल सेलेक्टेड। यदि आप जैसे टेक्स्ट अंडरलाइन है यहाँ पे, और इसे आपको बार बार करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट ए है, टेक्स्ट अंडरलाइन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, और करने के बाद यदि हम कीप टूल सेलेक्टेड कर देंगे तो मुझे बार बार ही सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे कीप टूल सेलेक्टेड से ही हम बार बार यहाँ पे अंडरलाइन ऑप्शन वो हम कर पाएंगे। सिमिलरली ये जो फीचर है कीप टूल सेलेक्टेड का, वो मोर और लेस सारे ऑप्शन जो स्ट्राइक थ्रू हाईलाइट, इसमें भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जैसे आपने ये जो टेक्स्ट अंडरलाइन है
इसको आपको लगता है कि फ्यूचर में जो भी टेक्स्ट अंडरलाइन हो इसी वे में हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेक प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए कि मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मेक प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ में जा कर के हम यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। तो आगे जो भी आप फ्यूचर में जो आप ये करेंगे अंडरलाइन करेंगे, टेक्स्ट अंडरलाइन करेंगे, वो इसी वे में होता रहेगा। यदि आपको इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है तो इसे बदल के आप फिर से हम मेक प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो जो चेंज्ड वे है वो आपका डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ एनोटेशन हो जाएगा। मैं आपको वो करके भी दिखाता हूँ। सपोज़ आपने यहाँ पे कलर बदलाव किया है और करने के बाद में प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट किया है और आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप जो है आप करेंगे तो सिर्फ ऐसा ही आपका होता चला जाएगा। एक और कॉमन टूल्स की बात है जो फिल्टर एनोटेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेज नंबर वन पे सारे जो एनोटेशन है वो पेज नंबर वन पे ही हैं, तो आप देखेंगे सारे जो मार्कअप हैं आपको पेज नंबर वन पे दिखा रहा है। जो ऑथर है सिर्फ मैंने ही किया, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम है, डेट आज का है। आपको कलर में देखेंगे तो डिफरेंट कलर का एनोटेशन है, तो आपको कलर से यहाँ से फिल्टर हो जा रहा है। टाइप भी देखेंगे डिफरेंट टाइप है यहाँ पे, तो हाईलाइट है, इंसर्ट टेक्स्ट है, तो डिफरेंट जो एनोटेशन टाइप है उसके अनुसार यहाँ पे फिल्टर हो जा रहा है। यदि आपको ये जो सारे जो मार्कअप हैं यदि डिलीट करने की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जा करके आप इसे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो डिलीट की है आपके कीबोर्ड में वहाँ से प्रेस करके आप इसमें इसको डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये जो एनोटेशन है बहुत ईजिली डिलीट हो जा रहा है और आपको चाहिए कि वो ईजिली डिलीट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे लॉक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक एनोटेशन को लॉक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और जाने के बाद यहाँ पे लॉक्ड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने जब यहाँ पे लॉक किया तो यहाँ पे एक लॉक का आइकन भी बन गया है जो आप अब इजीली डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, बट यहाँ पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली आपको और एनोटेशन को डिलीट करना है तो आप जाके वहाँ पे बहुत ईजिली डिलीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डिलीट करने की कोशिश कर भी रहा हूँ तो भी ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसको यदि बाद में आपको लगता है कि इसको डिलीट कर देना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसे फिर से प्रॉपर्टीज में जाएं, इसे अनलॉक करें पहले। अनलॉक करने के बाद ये जो डिलीट का ऑप्शन है आपको फिर से आ जाएगा और इसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेरियस एनोटेशन एंड मार्कअप टूल्स को Adobe Acrobat Pro DC में यूज़ कर सकते हैं और आशा है कि ये ट्यूटोरियल आपको ये फीचर को समझने में मदद किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।